पोस्टमार्टम में कुछ प्राथमिक जानकारी मिली है कि क्या हुआ? पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। क्या कुछ इस एंगल से भी जांच हो रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कभी हो गया, उस परस्पेक्टिव से भी पुलिस जांच कर रही है? वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है, अगर हत्या है तो वो भी क्लियर होता है और ये अपना हैंगिंग है तो उसमें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है, वो भी जेजे हॉस्पिटल में किया है और वो डॉक्टर की टीम ने किया हुआ है तो उसमें क्लियर कट आया हुआ है कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग। क्या ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी जब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके आप किस तरह से जांच आगे बढ़ा रहे हैं, जांच में किन किन लोगों से पूछताछ होगी और आपके कुछ टेक्निकल एविडेंस भी जमा करने की कोशिश? जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आ जाएंगे उनको हम तहकीकात करेंगे, उनका स्टेटमेंट ले लेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, क्या प्राथमिक तौर पर क्या बात सामने आई कि आत्महत्या के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उकसाया गया ऐसा चार्ज है, तो ऐसी कौन से इमीडिएट घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया? उसने वो वही ब्रेकअप होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। सर, क्या पूछताछ में बताया हो कि कल ऐसे क्या इंसिडेंट हुआ उस समय स्पॉट पर कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी वो तो उसको ही मालूम रहेगा क्योंकि क्या कल उसका ब्रेकअप चल रहा था, वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। क्या आरोपी सिजान खान आपसे कॉपरेट कर रहा है पूछताछ में, इंट्रोगेशन में? अभी आज ही पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या सर यही सिर्फ एक रीजन है अब तक जो सामने आया या फिर आप और भी जांच का दायरा है? वो ब्लैकमेलिंग वजह तो नहीं है इसके पीछे, वो बाकी की जो भी वजह होगी नहीं होगी वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगी। उनकी बहन भी आई और साथ ही साथ वो स्टाफ भी जिनके साथ में काम करते थे वो सब भी आए, उनसे क्या पूछताछ की गई और उन्होंने और क्या कुछ जानकारी? वो इन्वेस्टिगेशन चालू है तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा। सर, बताइए क्या सीजान का मोबाइल जब्त किया गया है और जो डिसीज्ड है उनका मोबाइल जब्त किया गया है? मोबाइल फोन के कॉल डिटेल मैसेजेस व्हाट्सएप वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस करेगी। नहीं, जब्त किया गया है क्या? हाँ, ताबे में लिया दोनों के लिए। सर, अभी सेट पे जो लोग मौजूद थे जिन्होंने बॉडी रिमूव की वहां से हटाई पुलिस को बिना बताए, उन लोगों को क्या कोई संबंध दिया गया, बुलाया गया पूछताछ के लिए? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी है मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, एक्स्ट्रा अफेयर और ग्लव जिहाद की भी बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो सामने नहीं आया हुआ। सर, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली और अभी तक क्या कार्रवाई पर थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए? पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे गई है, वहां से फिर डेड बॉडी हॉस्पिटल में थी वहां पे भी पुलिस गई हुई है और उसके माँ ने उसके कंप्लेन दिया है तो गुनाह दाखिल कर दिया है। ये बात भी सामने आई कि वो जो आरोपी है उसका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है सामने। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।